देखो, अहंकारी को किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में कभी आनंद नहीं मिल सकता। वो आनंद से सर्वथा दूर रहेगा, क्योंकि आनंद स्वयं प्रभु है। अहंकारी व्यक्ति कभी आनंदित नहीं हो सकता, आप देखना। अरे संसार में भी मैं देखता हूं, अपने व्यवहार में भी अगर हम लोग देखें ना, कोई ऐसा व्यक्ति अपने को मिल जाए ना जो बस अपनी अपनी बात करता हो, तो उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। अपनी अपनी बात करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ऐसी बहुत बात करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। मेरी तो नहीं होती भाई, बहुत अहंकार का बोझ हो जिसके सर पे, तो देयर इज अ रिपल्शन इन द ऑरा ऑफ दैट पर्सन। उसके आभा मंडल में एक विकर्षण होता है, माने उससे दूर हटने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो असत्य के धरातल पर खड़ा है। देखो, आप जो सेवा कर रहे हो, वो सेवा की सामग्री कहां से आई है? प्रभु से आई है। आप जिस सामग्री से आप सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो देखो, वो सामग्री प्रभु से आई है, प्रकृति ने दी है। और मैं कहता हूं, उसके भी बाद कोई अपने मन में ये भाव रखे, क्यों भाई हमने कमाया है, ये तो हमने अर्जित किया है, तो भी मैं कहता हूं कि जो भीतर सेवा करने का भाव है कि मैं सेवा करूं, वो सेवा करने का भाव तो प्रसाद से ही मिलता है ना। बिना भगवत इच्छा के कोई सतपथ पर नहीं आता है भाई, कि इस मार्ग पर किसी का पैर नहीं पड़ता है। इसलिए जो परत आप हटाकर देखो, मुस्कुराता हुआ वही खड़ा है। तभी दिनकर जी ने ये बड़ी काम की बात कही। क्या था कि भोजन करने बैठे थे रामधारी सिंह दिनकर, भोजन करने बैठे थे। अच्छा भाई, अब तो संस्कार जीवन में रहे नहीं, पहले गौ का ग्रास निकालो, फिर अतिथि के लिए कुछ आप निकाल कर रखेंगे, फिर द्वार पर कोई भिक्षुक आया है तो उसको भी आप देंगे। ऐसे जो गृहस्थ व्यक्ति होता था ना, वो यज्ञ करके भोजन करता था। ये वैदिक सनातन पद्धति है कि भाई देकर खाया जाए, पवाकर पाया जाए, खिलाकर खाओ। जो बिना खिलाए खाता है वो तो पाप खाता है। इसलिए मैंने कहा, परिश्रम का अर्थ समझना। अपना पेट भरने के लिए तो भाई पशु भी यहां वहां कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेता है, कुकर सुकर भी परिश्रम कर लेता है, गधा घोड़ा भी बेचारे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो अतिथि की सेवा भी हो गई थी, गौ का ग्रास भी दिया जा चुका था, थाली में दो रोटी थी, और जैसे ही पाने के लिए बैठे, इतने में द्वार पर कोई और आ गया। अब भाई देंगे तो किसी को आधी रोटी तो क्यों देंगे, एक का तो पेट भरे। तो दिनकर जी ने वो दो रोटियां भी उठाकर दे दी। अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति बैठा था पास में, उसने कहा, अरे इतने बड़े दानी हैं आप, कितना बड़ा हृदय है आपका, अपने हिस्से की भी दो रोटी आपने दे दी। तो कहते हैं कि आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूं, मुझे वो दिखाई पड़ता है, आपको मैं दिखता हूं, मुझे वो दिखता है। कहां दिखता है, कैसे दिखता है? तब कहा था उन्होंने, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, और वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। कहां से आई है ये वस्तु, आई कहां से? उसी ने तो दी है। तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, कबीर कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी माँ। सेवा करता भी है तो मालिक बनकर करता है, प्रभु का नौकर बनकर नहीं करता है। देता है तो छाती चौड़ी करके देता है, माथा ऊंचा करके देता है। ये देने की विधि नहीं है, इसको आसुरी दान कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं ये आसुरी दान है, ऐसे नहीं दिया जाता। कैसे दिया जाता है? देनहार कोई और है, ये जानकर दिया जाता है। भेजत जो दिन रे, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे। मैं तो छोटी सी सलाह दे रहा हूं आपको, कि ऐसे अपने जीवन का हिसाब किताब देखते देखते आगे बढ़ना।
एक व्यापारी भी हिसाब किताब लगाकर ही आगे बढ़ता है ना, इसे जीवन का हिसाब किताब देखते हुए आगे बढ़ना कि जो काम आपने किया वो करने के बाद अहंकार बढ़ाए कि आनंद बढ़ाए, दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेंगी। आपने कुछ किया है, कोई सत्कर्म ही आपने किया है, वो करने के बाद आपका अहंकार बढ़ गया है, आपका कर्तृत्व बढ़ गया है, या आपके मन में आनंद बढ़ा है? ठीक प्रकार से करोगे तो आनंद आएगा। ठीक प्रकार से यदि दिया है आपने, ठीक प्रकार से देना क्या है, देने का ठीक प्रकार क्या है, क्या विधि है? लोग भरम हम पर करे आंसों नीचे मैं, ऐसे देना तो कह रहे बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मांगे।